के एग्जिट पोल जो है वो आ रहा है रामपुर से। रामपुर से एग्जिट पोल जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि रामपुर से आज़म खान 2019 में हार रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि रामपुर से आज़म खान जो है इस बार हार रहे हैं, इस बार जो है जयपंता रामपुर से जीतेंगी। ये बताया गया है कि आज़म खान ने जो शाहबाद की रैली में एक अभद्र टिप्पणी की थी जयपर्दा के ऊपर, उस टिप्पणी के लिए आज़म खान को जो है वो रामपुर से एक खामियाजियाँ भुगतना पड़ सकता है और आज़म खान जो है वो यहाँ से हार रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पैमाना नहीं हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टीवी चैनल जो हैं, ये सर्वे एजेंसीज जो हैं वो कोई भी निकालती हैं, लेकिन अगर मैं 2014 की बात करूं, 2014 का अगर हम एनालाइज करें, जैसे कि हम सब जानते हैं रामपुर जो है एक मुस्लिम बहुमूल्य डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का एक पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 50% से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम्स हैं, 50% से ज़्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। और अब जो सीधी सीधी लड़ाई थी आज़म खां में थी एज अ मुस्लिम वोटर और बीजेपी में थी, तो अब आज़म खां जैसे कद्दावर नेता के साथ जो था ये लड़ाई थी, ये जो चुनावी जंग थी, ये चुनावी दंगल था। मैं आपको 2014 के आंकड़े बताना चाहता हूँ कि नेपाल सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट से वो 358,616 वोट्स लाए थे, जबकि नवाब काजिम अली खान जो जबकि नसीर अहमद जो एसपी से थे वो 335,181 वोट लाए थे। सिर्फ 23,400 कुछ वोटों का जो था इन दोनों में डिफरेंस था, हार जीत का जो डिफरेंस था वो 23,400 वोटों का था, शायद ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। वहीं कांग्रेस ने नवाब काजिम अली खान को खड़ा किया था जो 156,466 वोट लाए थे, और जबकि बीएसपी ने अकबर हुसैन को खड़ा किया था, वो भी 81,000 के करीब जो थे वो वोट लाए थे। इसमें देखने वाली बात यह है कि नसीर अहमद, नवाब काजिम अली खां, अकबर हुसैन ये तीनों ही मुस्लिम कैंडिडेट्स थे और नेपाल सिंह जो थे वो एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो माना जा सकता है ये जो मुस्लिम जो वोट्स थे, जो मुस्लिम वोट्स थे रामपुर के, वो इन लोगों में बढ़ गए और उसके बाद जो है नेपाल सिंह जो थे वहाँ से जीत गए, लेकिन फिर भी डिफरेंस जो था वो इतना नहीं था। अगर हम इसी आंकड़े को उठाते हुए 2019 की बात करें, तो अगर बीजेपी और एसपी की हम बात करें, एसपी के साथ क्योंकि इस वक्त जो है वो महागठबंधन बन चुका है, एसपी के साथ बीएसपी और आरएलडी भी है, तो 335,181 एसपी के वोट थे, जबकि 81,000 जो थे वो बीएसपी के वोट थे। अगर इन दोनों वोट्स को हम काउंट कर लें, दोनों वोटों को हम ऐड कर लें, तो 416,187 वोट्स बनते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें कि 416,187 वोट को नेपाल सिंह के 358,616 वोट से अगर हम माइनस करते हैं, तो फिर भी आज़म खां जो हैं वो 57,571 वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, 57,571 वोट से जीत रहे हैं। अब कांग्रेस भी 1.5 लाख के करीब वोट लाई थी, तो इस बार कांग्रेस में संजय कपूर की ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि वो 1.5 लाख वोट जो है वो अपनी पार्टी के लिए रामपुर से ला सकें, तो उसमें लगभग अगर हम 1 लाख वोट और ऐड कर दें तो फिर भी आज़म खां जो हैं 158,000 वोटों से रामपुर से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो था ये आंकड़न था, ये एक एनालाइज था जो बिल्कुल अलग एनालाइज था, जो टीवी चैनल जो है वो क्या है कुछ भी एग्जिट पोल दें, लेकिन हम आप एक आम जनता हैं, हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सोचें कि क्या सूरत जो है वो रामपुर से निकल सकती है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो रामपुर से जीत सकता है। तो 23 तारीख को खैर ये बात ठीक हो जाएगी कि जो हम सर्वे निकाल रहे हैं ये ठीक है या जो सर्वे जो है वो इंडिया टीवी ने किया है वो ठीक है। हम कोई सर्वे नहीं किया है, हमने सिर्फ हम जो है सिर्फ पुराने आंकड़ों से आपको ये बता रहे हैं, और न्यूज़ इंडिया टीवी का जो सर्वे था वो उनका एक सर्वे था। पैमाना जो भी है, उन्होंने आज़म खां को जो है रामपुर से हारा हुआ दिखा दिया है। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, फिर किसी और न्यूज़, फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हम मौजूद रहेंगे। जय हिंद।